हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फंटासी विनाल। दोस्तों, इंडिया ने बैक टू बैक दो जीत हासिल की हैं, पाकिस्तान को हराया और अब श्रीलंका को भी हराने के कगार पर है जब ये वीडियो शूट हो रहा है। तो लेकिन दोस्तों, कोई खेले या ना खेले, लेकिन अपनी विनिंग्स रुकनी नहीं चाहिए। और दोस्तों, अब आ चुका है एक और बड़ा मैच और वो मैच है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का थर्ड ओडीआई मैच। और इस मैच में जीएल जीतना इजी है, जिस तैयारी के साथ आज हम आए हैं। और मैंने नए सिरे से आपको जो स्टेट्स बताने चालू किए हैं वो काफी मेहनत से हम लाते हैं और आपके सामने डायरेक्टली बताते हैं। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर चलने वाला है, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होने वाला है, किस प्लेयर को आपको लेना है, किसको नहीं लेना है, क्योंकि हम स्टेट्स के बेसिस पर चलेंगे। अगर आप भी स्टेट्स के बेसिस पर चलोगे, नाम नहीं देखोगे प्लेयर का, तो आप जीएल जीत सकते हो। क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का थर्ड ओडीआई मैच है और ये लंदन के कैनिंगटन ओवल में खेला जाएगा आज 5 बजे। और इंपॉर्टेंट मैच है, पूरा वीडियो देखना, आप ग्रैंड लीग जरूर जीतोगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम भी आपके लिए बेस्ट जीएल टीम प्रोवाइड कराते हैं, वो कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फंटेसी विनर्स, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर ज्वाइन करें। इन सभी के अलावा दोस्तों, अगर आप हार रहे हो, जीत नहीं पा रहे हो, तो आज आपके लिए एक ऐसा ऐप बता दूं जहां आप अपनी विनिंग्स को डबल कर सकते हो, क्योंकि उस ऐप का नाम है बल्लेबाजी, जहां पर आपको फैंटेसी के साथ साथ लूडो गेम्स मिलता है। जब मैच नहीं, लूडो खेलो, आपको मिलता है वहां पर स्टेट फैंटेसी, किसी टीम पर पैसा लगा दो या फिर सवालों के जवाब देकर पैसा जीत लो। इसके अलावा वहां पर आपको मिलता है प्लेयर स्टॉक्स, प्लेयर्स के स्टॉक्स खरीदो और वहां से अच्छा पैसा कमाओ। तो इन सभी का फायदा अगर आपको उठाना है तो बल्लेबाजी पर आना है, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जरूर डाउनलोड करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स के स्टेट्स की। पहले नंबर पर ओपन करने के लिए आएंगे हैरी ब्रुक, ये इंग्लैंड के बैटर है। रिसेंटली फॉर्म आप देख लीजिए, 2-25-4-8-67। और जहां पर ये मैच होगा कैनिंगटन में, यहां पर हैरी ब्रुक खेले ही नहीं है और न्यूजीलैंड के खिलाफ ये 2 बार खेले हैं, 25 रन बनाए। यानी कि हैरी ब्रुक बड़ा नाम है, लेकिन ये फ्लॉप रहे हैं कहां पर, न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसलिए आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हो। दूसरे नंबर पर आता है बैरिस्टो, ये भी ओपन करने के लिए आएंगे हैरी ब्रुक के साथ। रिसेंटली फॉर्म आप देख लीजिए, 6 रन 73 बारे 86 4। और इस वेन्यू पर जहां पर मैच होगा, 6 मैचों में 166 रन बनाए। वहीं हेड टू हेड यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 9 मुकाबलों में 553 रन बनाए, क्योंकि ये बल्लेबाज जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ चलता है, इसलिए आप इन्हें रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है जो रूट का, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं ओडीआई के। रिसेंटली फॉर्म 0-6-9-8-35, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इस वेन्यू पर 11 इनिंग्स खेली है, 548 रन बनाए, यानी कि इस वेन्यू पर अच्छा खेलते हैं जो रूट। और ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जब भी खेलते हैं फ्लॉप रहते हैं, काफी दिनों से फ्लॉप चले आ रहे हैं। आप चाहे तो ले सकते हैं, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि काफी दिनों से फ्लॉप है, हो सकता है चली जाएं, हो सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो रिकॉर्ड है इनका कायम रहे। अब आपकी मर्जी है, लेना है या नहीं लेना है। और अगला नंबर आता है स्टॉक्स, बेन स्टॉक्स ने वापसी कर ली है ओडीआई में और ये ऑलराउंडर हैं। आप रिसेंटली फॉर्म देख सकते हैं, 1 रन 52 रन 43 रन 42 रन 1 विकेट 51 रन 6 इनिंग्स पर इस विनिंग में सिर्फ 137 रन बनाए 6 इनिंग्स में, लेकिन 5 विकेट भी ली हैं, ये आप याद रखें। अगर हेड टू हेड की बात करें तो 0 विकेट 52 रन 1 विकेट 84 रन 0 विकेट 11 रन 1 विकेट 26 रन 0 विकेट, यानी कि ये खेलते हैं बढ़िया है न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसलिए आप इन्हें बेन स्टॉक्स को अपनी टीम में रख सकते हो। नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों, ये भी इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, मोइन अली। रिसेंटली फॉर्म आप देख लीजिए, 33 रन 2 विकेट 1 रन 0 विकेट 26 रन 0 विकेट 6 रन 1 विकेट 32 रन। और इस वेन्यू पर 7 मैच खेले हैं, 84 रन बनाए हैं, 4 विकेट लिए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 रन 2 विकेट 1 विकेट 3 रन 0 विकेट 23 रन 3 विकेट, यानी कि अच्छा प्रदर्शन करते हैं मोइन अली न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसलिए इन्हें आप अपनी टीम में रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों, ये भी ऑलराउंडर है, नाम है लिविंगस्टन। रिसेंटली फॉर्म काफी गजब है और इस वेन्यू पर 1 बार खेले हैं, 0 पर आउट हुए थे, लेकिन हेड टू हेड की अगर हम बात करें, 3 पारियों में 52-95 रन बनाए, यानी कि पिछली 2 पारियों में गजब का परफॉर्मेंस किया है, इसलिए लिविंगस्टन को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। अगला नाम आता है दोस्तों, ये भी ऑलराउंडर है, नाम है सैम करन। आप रिसेंटली फॉर्म आप देख लीजिए, 42 रन 0 विकेट 5 रन 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। और इस वेन्यू पर सिर्फ 1 मैच खेला है, 5 विकेट उसमें झटकी है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 मैच खेला, विकेट तो नहीं मिली लेकिन 42 रन बनाए थे, लेकिन ऑलराउंडर की भूमिका में आप इन्हें रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है डेविड विले, ये बॉलर है इंग्लैंड के। रिसेंटली फॉर्म 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, यानी कि गजब का परफॉर्मेंस है और इस वेन्यू पर भी अच्छा है, 4 मैचों में 7 विकेट चटकाए हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। तो डेविड विले आपके लिए इस ग्रैंड लीग में ट्रंप पिक हो सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है, इन्हें आप जेल में जरूर ट्राई करें। दोस्तों, नेक्स्ट नंबर आता है आर टॉपली। रिसेंटली फॉर्म आप देख लीजिए, 3 विकेट 0-0-1-2। और वेन्यू का स्टेट्स आप देख लीजिए, एक इनिंग के लिए इस वेन्यू पर विकेट नहीं लिया, लेकिन
न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैच जो खेले हैं, तीन विकेट इन्होंने लिए हैं, एक मैच में जीरो और एक में तीन विकेट चटके हैं। रीस टोपली आपके लिए बेस्ट भी हैं, अगर जीएल की किसी टीम में ट्राई करना चाहे तो ले सकते हैं, एसएल में आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल नंबर आता है दोस्तों एटकिंसन का, ये भी बॉलर है इंग्लैंड के, रिसेंटली फॉर्म 1-0, 2-4-0, इस वेन्यू पर नहीं खेले हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैच खेले हैं, सिर्फ एक विकेट मिली है, आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स के स्टेट्स मैंने आपके लिए बता दिए हैं, लेकिन अब रह चुके हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के स्टेट्स। अब दोस्तों न्यूजीलैंड इंग्लैंड अगर भिड़ रही हैं तो आप यहां पर टीम पर पैसा लगाकर बहुत सारे पैसे जीत सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलेगा बल्लेबाजी पर कि इंग्लैंड विल विन द मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अगर आपको लगता है इंग्लैंड जीतेगा तो आप इंग्लैंड पर पैसे लगा सकते हो, अगर आपको लगता है न्यूजीलैंड जीतेगा तो आप न्यूजीलैंड पर पैसा लगा सकते हो। इस तरह से अगर आपको टीम पर पैसा लगाना है तो बल्लेबाजी पर आना है, क्योंकि बल्लेबाजी पर ही ऐसे ऑफर्स आपके लिए मिलते हैं। अगर आपके पास बल्लेबाजी ऐप नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डाउनलोड करें। तो चलिए आप बताता हूं आपके लिए स्टेट्स न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की। ओपन करने के लिए आएंगे फिनलैंड, बैटर हैं, रिसेंटली फॉर्म 0-16-83-21, इस वेन्यू पर नहीं खेले हैं, एक मैच खेला है इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें भी जीरो गए थे, लेकिन बल्लेबाज अच्छे हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं तो इन्हें ड्रॉप करूंगा अपनी टीम में। नेक्स्ट नंबर आता है कॉनवे का, ये भी बैटर है, रिसेंटली फॉर्म गजब है, 14-111-9-2, और इस वेन्यू पर नहीं खेले हैं लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ दो मैच खेले हैं, 14-111 रन बनाए, यानी कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पिक है, कॉनवे को आप ले सकते हैं। विल यंग ये भी बैटर है न्यूजीलैंड के, रिसेंटली फॉर्म भी अच्छा है, इस वेन्यू पर नहीं खेले हैं लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैच खेले हैं, दोनों में गजब किया है, इन्हें आप अपनी टीम में रख सकते हैं, मैं इन्हें ड्रॉप करके चलूंगा। डैरल मिचेल ये भी बैटर है, रिसेंटली फॉर्म काफी गजब है, इस वेन्यू पर अभी तक खेले नहीं है लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैच खेले हैं, एक में 118, दूसरे में 57, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पिक है, डैरल मिचेल को आप अपनी टीम में रख लें। नंबर आता है ग्लेन फिलिप्स का, ये बैटर है, बॉलिंग भी कर लेते हैं लेकिन रिसेंटली फॉर्म 2-42-69-22-41, यानी कि गजब है, लेकिन एक मैच खेला है इंग्लैंड के खिलाफ, सिर्फ दो रन बनाए हैं, इसलिए ये इंग्लैंड के खिलाफ फ्लॉप हो सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट नंबर आता है रचिन रविंद्र का, ये भी ऑलराउंडर है न्यूजीलैंड के, रिसेंट फॉर्म आप देख लीजिए, 4 रन 0 विकेट 3 विकेट 17 रन 1 विकेट 0 3 विकेट, इस वेन्यू पर नहीं खेले हैं, दो मैच खेले हैं इंग्लैंड के खिलाफ, एक में 0 विकेट 1 में 3 विकेट, आप चाहे तो ले सकते हैं, आप चाहे ड्रॉप कर सकते हैं, मैं तो इन्हें ड्रॉप करूंगा। नेक्स्ट नंबर आता है सेंटनर का, ये गजब के प्लेयर है, ऑलराउंडर है और इनका रिसेंट फॉर्म आप देख लीजिए, 4 रन 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, और इस वेन्यू पर दो मैच खेले हैं, सिर्फ 32 रन बनाए हैं, 2 विकेट भी लिए हैं, और इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 14 इनिंग्स के लिए 337 रन बनाए हैं, 13 विकेट भी लिए हैं, इसलिए आप इन्हें ले सकते हैं क्योंकि ये बॉलिंग भी कराते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पिक है। दोस्तों नेक्स्ट नंबर आता है टिम साउथी का, ये भी बॉलर है न्यूजीलैंड के, रिसेंटली फॉर्म आप देख लीजिए, 2 विकेट 2 विकेट 0-2-1, और इस वेन्यू पर दो मैच खेले हैं, 3 विकेट लिए हैं, और आप इनका रिकॉर्ड देखिए इंग्लैंड के खिलाफ, 2 विकेट 2 विकेट 1-0-1, यानी कि अच्छे बॉलर हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है एक और बड़े प्लेयर ट्रेंट बोल्ट का, इसका रिसेंटली फॉर्म आप देख लीजिए, 3-3-4-4-4, और इस वेन्यू पर दो मैच खेले हैं, 4 विकेट लिए हैं, और हेड टू हेड आप देख लीजिए, 3 विकेट 0-2-1-2, यानी कि गजब का प्लेयर है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर है, किसी जीएल टीम में आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। लास्ट एंड फाइनल नंबर आता है दोस्तों मैट हेनरी का, ये भी बॉलर है, रिसेंटली फॉर्म कुछ गजब नहीं है, 5 मैचों में 4 विकेट है, और इस वेन्यू पर 2 मैचों में 32 रन और 2 विकेट है, और इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 14 मैच खेले हैं, 337 रन है, 13 विकेट है, यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ ये अच्छा करते हैं, रिसेंटली फॉर्म अच्छा नहीं है, आप चाहे तो ले सकते हैं, आप चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों टीमों की सभी खिलाड़ियों के स्टेट्स मैंने आपके लिए बता दिए हैं, अब मैं आपको दूंगा 2 जीएल टीम और 1 एसएल टीम। जीएल जो मैं खेलूंगा ड्रीम इलेवन पर खेलूंगा, लेकिन एसएल जो मैं खेलूंगा रोजाना पैसे लगाकर, रोजाना जो मैं जीतता हूं वो खेलता हूं मैं बल्लेबाजी ऐप पर, क्योंकि बल्लेबाजी ऐप पर एक तो मुझे ऑफर्स काफी सारे मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, बहुत सारे गेम्स मिलते हैं और वहां जीतने के हाई चांस। अगर आप अभी डाउनलोड करते हो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आपके लिए 15% का एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट करते हो, सिर्फ आपको कोड यूज करना है न्यू 15, तो आपके लिए 15% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों वहां पर प्लेयर्स के स्टॉक्स आप खरीद सकते हो, जैसे इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का मैच है तो आप किसी के भी स्टॉक्स खरीद लीजिए और अच्छा पैसा कमा लीजिए। इसलिए बल्लेबाजी आपको डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है। चलिए अब बनाते हैं हम अपनी एसएल टीम, फिर बनाएंगे हम अपनी जीएल टीम। दोस्तों यह है मेरा पहला एसएल टीम जो मैं बल्लेबाजी पर खेलूंगा, इसमें विकेट कीपर्स मैंने जॉनी बोरस्टो, जॉस बटलर, डेवन कॉनवे और लैथम को लिया है। बैटर्स में सिर्फ मैंने बेन स्टॉक्स को लिया है। ऑलराउंडर्स में मोइन अली, डैरल मिचेल, लिविंगस्टन को लिया है। बॉलर्स में डेविड विली, ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी को लिया है।
कैप्टन इसमें मैंने डैरिल मिचेल वो इस कैप्टन लिविंगस्टन को बनाया है। ये है मेरा एसएल टीम जो मैं बल्लेबाजी पर खेलूंगा। इसके अलावा दो जीएल टीम मैंने आपके लिए बनाई है जो मैं ड्रीम इलेवन पर खेलूंगा, चलिए वो भी आपको दिखा देता हूं। दोस्तों यह है मेरा पहला कॉम्बिनेशन, विकेट कीपर्स में जॉनी बेयरस्टो डेविन कॉनवे को लिया है। इसमें मैंने ड्रॉप किया है लेथम को, इसमें मैंने ड्रॉप किया है जोस बटलर को। ऑलराउंडर्स में दोस्तों मैंने डैरिल मिचेल, मिचेल सैंडर्स, सैम करन, रचिन रविंद्र को लिया है। बॉलर्स में टीम साउथी, ट्रेट बोल्ट और डेविड विले को लिया है। कैप्टन मैंने बनाया है जो रूट को, वॉइस कैप्टन डेविन कॉनवे को बनाया है। यह है मेरा पहला जीएल टीम। इसके अलावा दूसरा जीएल टीम भी मैंने आपके लिए बनाया है, चलिए वो भी आपको दिखा देता हूं। दोस्तों यह है मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन, इसमें मैंने डेविन कॉनवे और जोस बटलर को लिया है। बैटर्स में सिर्फ यंग को लिया है। ऑलराउंडर्स में डैरिल मिचेल, लिविंगस्टन, मिचेल सैंडर, सैम करन को लिया है। और बॉलर्स में मैंने टीम साउथी, ट्रेट बोल्ट, डेविड विले और आर टॉपली को लिया है। कैप्टन मैंने इसमें बनाया है डैरिल मिचेल को, वॉइस कैप्टन बनाया है जोस बटलर को। यह है मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन। लेकिन मैं आपके लिए बता दूं कि मैं और भी कॉम्बिनेशन आपको दूंगा, वो दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर ले। और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।